Wow. Look how beautiful, look, no? अरे तो स्लो ट्रेन है मैडम, वो वाला फास्ट, पूरी कोच खाली है। क्या है इस बर्गर में? इस बर्गर में तुम्हें बताओ ना क्या क्या है। खूबसूरत सीनरीज हैं, ग्रीन, ये देखिए रोड। गाइज मैं यहाँ हूँ ह्यूस्टन स्टेशन पे, और वो सामने सारे प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। यहाँ से बर्मिंघम जाने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेन मिलेगी। एक्चुअली लंदन से बर्मिंघम जाने के लिए आपको कई स्टेशन से ट्रेन मिल जाती है। एक तो ह्यूस्टन स्टेशन है जो हम लोगों को बहुत इजी है और कन्वीनियंट है। इसके अलावा आप मार्लीबोन से ले सकते हैं, और सेंट पैंक्रास से भी आपको जो है बर्मिंघम के लिए ट्रेन मिल जाती है। ये 2 घंटे की जर्नी है लगभग, तो एक ट्रेन है जो 1.5 घंटे में पहुंचाती है आपको। ये लगभग वहाँ पे लूसी वहाँ है, ये प्लेटफॉर्म का वेट कर रही है कब प्लेटफॉर्म अनाउंस हो कि हम लोग भागें। तो लोगों ने रिटर्न 2 टिकट लिया है, वो पड़ा है हम लोगों को 72 पाउंड का। उसके अलावा आपको बस मिल जाती है जो काफ़ी चीप है लेकिन वो आपको 1 घंटा ज़्यादा लेती है। 3-3.5 घंटे की जर्नी है बस से, पर बेटी की वजह से जो है ट्रेन बेस्ट है क्योंकि उसमें कंफर्ट है, आराम है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूस्टन स्टेशन पे, हाई स्पीड जो ट्रेन आने वाली है जिसकी वजह से HS2। बर्मिंघम इंग्लैंड का 2nd biggest सिटी है और बहुत ही कल्चरली बहुत ही डाइवर्स है। देखिए हमारी ट्रेन है 9:56 पे और 9:44 ऑलरेडी हो चुका है, और ये देखिए हमारा अभी तक प्लेटफॉर्म अनाउंस नहीं किया है। अब बेटी को लेकर मेरे को दौड़ना पड़ेगा। ओह, प्लेटफॉर्म नंबर 6, प्लेटफॉर्म नंबर 6 यही होता है जब लास्ट मोमेंट पे आप अगर प्लेटफॉर्म आपका डिसाइड हो तो लोग जो है दौड़ते हैं। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, वो सामने है 6 नंबर प्लेटफॉर्म। अरे ये तो स्लो ट्रेन है मैडम, वो वाला फास्ट ट्रेन था, ये तो स्लो ट्रेन है। अरे यार अब देखते हैं स्लो ट्रेन की फैसिलिटी क्या है। चूँकि हम लोगों का सीट रिजर्व नहीं है, तो जहाँ मिले वहीं फट से बैठ जाओ। यार मैडम इज गोइंग दिस वे, या टेक दिस वन, दिस वन, फोन। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इट जस्ट स्टार्टेड सो पीपल प्लेंटी ऑफ सीट्स एवरीवेयर। सर वन दिस वन, या देखो हमने सीट तो ले ली यहाँ पर सेफ्टी के लिए, लेकिन शुरू के 2 कोच में भीड़ को देखकर मुझे डाउट हो रहा था, तो मैं निकल गया आगे की कोच में देखने के लिए कि क्या इस तरफ भी इतनी ही भीड़ है जितनी कि पीछे की 2 कोच में है। ट्रेन खाली है, सो व्हाई वी आर गोइंग टू द क्राउडेड वन, लेट मी कॉल टू लूसी। ये देखिए हम लोग वहाँ भीड़ में थे। यस, देखो एक ये सारे अनरिजर्व्ड हैं, लेकिन इस कोच में सिर्फ हम ही लोग हैं। आपने देखे होंगे शुरू के 1-2 कोच में काफी लोग थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार कुछ ही लोग तो आए हैं, इतनी बड़ी ट्रेन है, जाके देखते हैं। और देखिए पूरी कोच खाली है, तो क्यों ना बेबी के लिए हम स्पेशल बेड बनाए। हमारी बेटी यहाँ सोएगी। ये देखिए ये है इंग्लैंड का कंट्री साइड एरिया, फार्म एरिया, मिडलैंड। वाह, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ट्रेन पूरी खाली मिली है, तो ज़रा देखूं कौन कौन सी फैसिलिटी है यहाँ। डोर यहाँ कभी आपको जो है खुली हुई तो मिलेगी नहीं किसी भी ट्रेन में। देखिए यहाँ इमरजेंसी डोर रिलीज़,
कैसे आप खोलना है इमरजेंसी में। यहाँ पे बटन है और ये डोर जितने भी हैं, ये जितने भी कोच हैं, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। इमरजेंसी अलार्म है, एलईडी स्क्रीन, तो ये देखिए यहाँ लगा हुआ है। टॉयलेट इस तरफ है, इवन बेबी चेंजिंग इस तरफ है। हम लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है भैया। कोच का प्लान इमरजेंसी में कैसे बाहर निकलना है, और ये ड्राइवर का पुल लीवर डाउन टू टॉक टू ड्राइवर, इसको नीचे करें तो बात कर सकते हैं। सीट्स के ऊपर लगे हुए हैं प्रायोरिटी सीट्स, तो यहाँ पे डिसेबल पर्सन के लिए ये प्रायोरिटी सीट बनी हुई है। सामने आपको जो है टॉयलेट दिख रहा है, यहाँ आपको बेसिकली बटन दबाना होता है, कोई नहीं है अंदर तब करेंगे तो ये खुल जाएगा इस तरीके से। यह देखिए बड़ी ज़बरदस्त फोटोग्राफ लगा हुआ है भैया इधर, वाह। ये देखिए यह है फर्स्ट एड बॉक्स, यहाँ कैसे खोलना है और आप जो है निकाल सकते हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास सर्विस मैडम, आई लाइक इट। ये देखिए वाह, बेहतरीन नज़ारा है। इमेजिन करें कि हमें, हम इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं और हम लोगों को ट्रेन मिले इस जैसा, सोच सकते हैं सिर्फ हम। पूरी कोच खाली है और बेहतरीन से चल रही है एकदम। बेटी ओके, यहाँ हो सकता है कोई पैसेंजर आएंगे। लेटन बजार्ड, 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 क्या नाम है भैया। एक पैसेंजर बस हमारे हैं, एक पैसेंजर उधर, एक दो, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि भाई आगे स्टेशन पे बहुत सारे पैसेंजर चढ़ने वाले हैं। इस ट्रेन में बाकी तो बहुत चीज़ें अच्छी हैं इसमें, लेकिन कोई मोबाइल का पॉइंट मेरे को नहीं दिख रहा है, तो चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, सॉकेट भी नहीं है। सेकेंड स्टॉपेज, तो ये काफ़ी बड़ा स्टेशन आप देख लेंगे, इधर भी प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इवन इस तरफ भी प्लेटफॉर्म है, पर पैसेंजर ऐसे ही है, 10-15-20 लोग आए हैं इसके अंदर। क्या खा रहे हैं? ये मेरी बीवी के हाथ का बनाया हुआ बर्गर है, बर्गर। क्या है इस बर्गर में? इस बर्गर में तुम्हें बताओ ना क्या क्या है इसमें। इसके अंदर एवोकाडो है, या है ना, और ये रेडीमेड, ये क्या है, कटलेट, कटलेट बेसिकली, वेज कटलेट मेड ऑफ। पर एक बात मालूम है, इंडिया में इतना टोमेटो महंगा हो गया है कि मैडम भी इसमें टोमेटो नहीं डाली थी। या या, इन सॉलिडैरिटी, या स्ट्राइकिंग। खूबसूरत सीनरीज हैं, ग्रीन, ये देखिए रोड। लंदन और यूके की ट्रेन में वेस्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है, तो इसमें भी जगह जगह पे कूड़ा रखने का इंतजाम है। जैसे हमारे सामने देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना नाइसली यहाँ पे डिजाइन किया गया है, और आप आराम से जो है कि आप जो है उसको उसकी जगह पे डाल दो। अब जो स्टेशन आ रहा है ना, इसका नाम है रग्बी। आपको बताता हूँ रग्बी क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है रग्बी, और रग्बी जो गेम है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। 1823 ईस्वी में यहाँ पे जो है वार्विक स्कूल में ये गेम खेला गया था, और आज रग्बी को लगभग जो है पूरी दुनिया जानती है। इसको आप इंग्लैंड का गांव कह सकते हैं, गांव, गांव। ये देखिए स्टेशन से और रेलवे ट्रैक से काफ़ी क्लोज है ये जो स्टेशन है, बर्मिंगम का एयरपोर्ट।
ये आ गए हम लोग बर्मिंगम में, और ये स्टेशन जो है बेसिकली इन द मिडल ऑफ द सिटी है। चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही होंगी। देखिए ये हमारी ट्रेन थी, खूबसूरत ट्रेन है, लंदन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ये देखिए अभी हम लोग ट्रेन से निकल के आए हैं, बाहर आइए तो रोड पे भी ट्रेन चल रही है। ये देखिए वेस्ट मिडलैंड मेट्रो, वाह लुक हाउ ब्यूटीफुल लुक ना, इट्स सो नाइस, आई लुक लाइक ब्रांड न्यू, वाह। ये देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने अपने फुटपाथ को बनाया है। ये नॉन व्हीकल जोन है बेसिकली, मेरे हिसाब से सारे लोग जो है पैदल ही हैं। देखिए समुंदर हो, कनाल हो, या गाड़ी के ऊपर हो, सीगल हर जगह। ये है हमारा एरिया, लुक हाउ बिग बिल्डिंग इज। कौन सा फ्लोर है? सेकंड फ्लोर। बेसिकली होटल है, लेकिन ये होटल होटल नहीं है, ये पूरा अपार्टमेंट है। आपको वन बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, टू बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, ये पूरा का पूरा जो है एक अपार्टमेंट जैसा है। तो हमने एक छोटा सा कमरा लिया है अपने लिए। यस, ये हमारा होटल है, रूम है, जो भी कह लीजिए आप। ओ बेसिकली ये फोर सेपरेट, ये हमारा एक तो ये फुल बेड है, हमारे साथ बेटी है तो पता नहीं सोने दे ना दे, तो आप जो है यहाँ आके आप आराम से। ये देखिए, यस तो ये बेड देखिए हमारा, एक बेड ये रेडी हो गया और एक सोफा यहाँ है जो ये भी बेड में कन्वर्ट हो सकता है। एक ओह एवरीथिंग यस, अब छोटा सा किचन, माइक्रोवेव, यहाँ फ्रीजर खोल के दिखाता हूँ मैंने। ये हमारा कटलरी आइटम है, यहाँ फ्रिज है। यू लाइक इट? बाहर देखें तो ये देखिए बेसिकली ये सारे अपार्टमेंट हैं।